हाय फ्रेंड्स, तो आज मैंने सोचा कि चलिए लंच बॉक्स में बनाते हैं चाट। तो मैंने ओवरनाइट सोक बटाना डाल दिया, उसमें एक कप के अराउंड बड़ा सा कप लिया था मैंने और उसे सोक कर दिया ओवरनाइट। कुकर के अंदर वो डाल दिया और कुछ मसाले डाल दिए, जैसे कि हल्दी, ज़ीरा और मिर्ची, सब 1 टीस्पून, और नमक स्वाद के अनुसार डाला है, दैट इज़ एज़ पर द टेस्ट, और पानी डाल दिया है इतना कि बटाने भी पूरे से भीग जाए। अब मैं एक प्रेशर लगाऊंगी और 20 मिनट्स तक स्लो हीट पर इसे पकाऊंगी ताकि लगड़ा पूरी तरीके से गल जाए। अब इसके लिए मैं थोड़े से वेजिटेबल चॉप कर लूँगी, तो मैंने 2 ऑनियंस डाले हैं, थोड़े से कोरिएंडर और मिर्ची डाल के मैं उसे बारीक चॉप कर लूँगी चॉपर के अंदर। देखिए ऐसे बारीक चॉप होना चाहिए। अब मैं पैन गर्म करूँगी, उसमें तेल डाल दूँगी और उसमें पोटैटोज डाल दूँगी कट करके इस तरीके से, और इसे फ्राई कर लूँगी तब तक थोड़े से गोल्डन ना हो जाए। देखिए ऐसे गोल्डन हो जाना चाहिए। चलिए अब लंच बॉक्स को पैक करते हैं। तो रगड़ा डाल देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं चॉप्ड अनियन और डाल देते हैं थोड़ा सा चॉप्ड फ्राइड पोटैटोस और थोड़ा सा चाट मसाला हम डाल देंगे फॉर दैट नाइस टेस्ट, और थोड़ी सी पापड़ी डाल देंगे और इमली की चटनी जो मैंने घर में बनाई थी मैं वो डाल रही हूँ। तो ये था मेरा आज का लंच बॉक्स आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।